Thank you.
एक यार, अगर मुर्शिद में, सदगुरु में वो यार दिख जाए तो ये चंचल अनियंत्रित इनडिसिप्लिन मन मर जाता है। और फिर मरा हुआ मन तो ऐसे जैसे कोई मरे हुए सर्प को गले में लपेट ले तो वो मरा सांप तो डस ही नहीं सकता। ऐसे ही जब यह मन सदगुरु की शरण में जावे और मर जावे, अभी तो जाता आता है, अभी प्यार आया अभी चला गया, अभी प्यार आया गुरु से अभी चला गया, अभी तो आता जाता है, लेकिन ऐसा लग जावे प्यार तो ये मन मर जाता है। जब मन मर जाता है तो मन का भटकना पॉसिबल ही नहीं, जब मन ही ना रहा तो भटकेगा कौन। कोई यार नू सजदा कर बैठे, सिर किसे नू चुकाया नहीं जानदा।
ਉਹਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬਾ ਮਨ ਛੱਡਿਆ, ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੋਮਈ ਕੋਸ਼ ਕੀ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਕੋ ਸਮਝਨੇ ਕੇ ਲੀਏ थोड़ा और समय की आवश्यकता पड़ेगी। सो यही चर्चा को हम शाम को आगे बढ़ाएंगे, और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इस बीच में, सिटिंग्स के बीच में खुद से बैठें, गंगा तट पर बैठें, आँख बंद करें, श्वासोच्छ्वास को देखें, गहरा श्वास भीतर, गहरा श्वास बाहर, श्वासोच्छ्वास को देखें, शरीर को स्थिर रखते हुए, आँख बंद रखते हुए। लेकिन अगर आँख खोलें तो गंगा के जल को देखते रहना, कितनी लहरें उठ रही हैं, उतनी लहरें तेरे मन में भी उठती रहती हैं, कभी मोह की, कभी ममता की, कभी लोभ की, कभी क्रोध की, कभी ईर्ष्या की, कभी द्वेष की, कभी एम्बिशंस की, डिजायर्स, एम्बिशंस, लस्ट, ग्रीड, दीज आर ऑल थॉट्स, दीज आर ऑल वेव्स ऑफ योर माइंड, एंड यू नेवर लुक एट योर माइंड। यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू ब्यूटिफाई योर बॉडी, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू ब्यूटिफाई योर हाउसेज, बट यू नेवर लुक इन योर माइंड। टुडे आई हैव गिवन यू फादर टू डू दैट। व्हाट इज माइंड? क्या है मन? विचार है मन, संवेदना है मन, भावना है मन, विकल्प है मन, विपर्य है मन, स्मृति है मन। और मन का ये जाल इतना बड़ा फैल गया है कि तुम मन हो गए हो और तुम्हें यह नहीं पता कि तुम भावनाएं नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम संवेदना नहीं हो, तुम स्मृति नहीं हो, तुम विकल्प नहीं हो और तुम विपर्य भी नहीं हो। ये सब जिस मन में घटित हो रहे हैं, तुम वह मन नहीं हो, तुम उस मन से अलग हो। जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मानना विपर्य है, और इसी विपर्य के साथ जो मनुष्य जीता है उस मनुष्य को हम अज्ञानी कहते हैं। अज्ञान दुख देता है, ये बात तय है। अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनोमयी कोश, इन तीन कोशों के साथ तुमने मैं को जोड़ लिया, अब आपके दुख का सिलसिला शुरू हो गया। मैं देह मानूं तो देह के प्रति आसक्ति और देह के प्रति ममता बन जाएगी। देह के प्रति आसक्ति है तो मुझे कुछ हो न जाए, मैं बीमार न पड़ जाऊं, मैं मर न जाऊं, ये भय आ जाएगा। देह मैं हूं, इस भय के बाद फिर जिनके साथ भी मैं मेरी मैं को जोड़ दूंगा, मेरा भय उनकी तरफ भी चला जाएगा। देह के मां, पिता, पत्नी, पति, बच्चे, नाते, पोती, रिश्तेदार, जितने दूर उतना कम मेरापन होता है, जितना नज़दीक उतना ज़्यादा होता है। जब आप देह को मैं कहते हो तो देह के दुख तुम्हारे हो जाते हैं। पेट दुखा, कहोगे मैं दुख रहा हूँ, मुझे दर्द हो रही। कैंसर शरीर को होगा, तुम मानोगे मुझे हुआ है। सर्दी, जुकाम, खांसी की तुम्हें बात, क्या करूं वो तो है ही, लेकिन मैं बड़ी बड़ी बात कर रही हूं। हार्ट अटैक होगा शरीर को, तुम कहोगे मुझे हुआ है। हार्ट अटैक हो गया पिता को तो भी भय आएगा, खुद को हो गया तो भी भय आएगा। लेट्स सी, किसी दिन आप शीशा देखें, अपने ही घर में शीशा देखें,
या बाहर कोई शीशा देखें और किसी जादू से आपको आपका चेहरा दिखाई ही ना दे, गायब हो जाए, क्या महसूस करोगे? सी, व्हेन योर आईडी इज टेकन, द फोटो आईडी, दे डोंट क्लिक द फोटो ऑफ योर फीट और हैंड्स और बैक और स्टमक और चेस्ट, दे टेक योर फेस फोटो, दैट इज योर आईडी. इफ दिस फेस डिजॉल्व्स समहाउ और डिसअपीयर्स, व्हाट विल बी योर आईडी? और कितना मोह है अपनी शक्ल के साथ, अपनी सूरत के साथ. ग्रुप फोटो में वो रहा मैं, फैमिली फोटो में वो रहा मैं, 15 अगस्त की परेड में भीड़ के अंदर वो मैं रहा. कहां से पहचान करे? चेहरे से. देह को मैं मानोगे, शरीर को मैं मानोगे, शरीर की आईडी तुम्हारी आईडी है. अगर ऐसा मानोगे तो अब इस चेहरे के साथ, इस शरीर के साथ जुड़ते ही शरीर की पहचान मेरी है, ये मानते ही आपकी समस्याएं चालू हो गई. मुझे कुछ हो ना जाए, आंख खराब हो जाएगी, कान खराब हो जाए, बोलना बंद हो जाए, तुम्हारे साथ जवान हो शरीर और ये सब हो जाए, डिप्रेशन में चला जाएगा, आत्महत्या कर लेगा. क्यों? तुम ये अगर नहीं समझते हो कि इंद्रियां तुमसे अलग हैं, द सेंसेस आर नॉट यू. लेकिन मुश्किल ये है कि न केवल आप शरीर को मैं मानते हो, आप इंद्रियों को भी मैं मानते हो, आप मन को भी मैं ही मानते हो. इसलिए इंद्रियों को कुछ हो जाए तो तुम्हें कष्ट, शरीर को कुछ हो जाएगा तो तुम्हें कष्ट, शरीर के संबंधियों को कुछ हो जाए तो भी तुम्हें ही कष्ट. अब तुम कष्ट उसका पा रहे हो जो तुम हो नहीं. लेट्स गो बैक इन टू द अन्नमयी कोश वंस अगेन. व्हेन अ मैन परफॉर्म्स सेक्स एंड ही इजेक्यूलेट्स, देर आर मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजा इन हिज वन सीमेन. वन स्पर्मेटोजा एंटर्ड द ओवम एंड द चाइल्ड वॉज कंसीव्ड. व्हाट अबाउट दोज अदर्स 9,999,000 स्पर्मेटोजा? दे डाई. स्त्री के शरीर में वीर्य 1 से 2 दिन तक सुरक्षित रहता है, तो वो गर्भाधान इस 48 घंटे में कभी भी हो सकता है. करोड़ों वीर्य अंश, अंग्रेजी में जिसका शब्द स्पर्मेटोजा, वो पूंछ लगा हुआ वो जीव जो है वो इतनी तेजी से भागता है और सर्विक्स से होते हुए माता के गर्भाशय तक जाता है और फिर वहां जो ओवम तक, अगर अब बहुत सारे वो बीच में ही मर जाएंगे, एक पहुंचेगा जो ये रेस जीत गया, वहां तो हो जाएगा गर्भाधान, बच्चे का बनना चालू हो जाएगा. अगर वो टिक गया वहां पर तो जाइगोट बन गया, तो बस फिर तो प्रोसीजर शुरू हो गया. लेकिन वो जो करोड़ों मर गए, उन स्पर्म्स का क्या? सच ये है कि मान लो किसी युक्ति से, कल किसी मेडिकल इन्वेंशन से पुरुष के एक समय के सारे वीर्य को संभाला जा सके, तो एक ही समय में मिलियंस ऑफ वुमेन कैन बी इम्प्रेग्नेटेड. जिससे तुम्हारा शरीर बना, तो वो स्पर्मेटोजा तुम्हारा असली बाप हुआ, या जहां से वो निकला, वो पैदा करने वाला, वो पूरा शरीर, वहां तो करोड़ों अरबों खरबों.
यूं समझो, एक पीपल के वृक्ष में करोड़ों बीज होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक बीज पक्षी खाता है, पक्षी मल विसर्जित करता है जहाँ बीज करता है, वो जहाँ मिट्टी में, दीवार में भी, कहीं पर भी जहाँ वो सुरक्षित होगा वहीं पीपल का पेड़ उग जाएगा। तो अब पीपल के इस वृक्ष, बच्चे वृक्ष का बाप वो बीज है जो फूट के पेड़ बना, या वो पेड़ है जिससे जहां अरबों थे और उनमें से एक बीज निकल के यहां आया। सोच के देखिए, लॉजिक से देखिए। तो ये अन्नमयी कोष के पिता इनवे इसी शरीर में है और माता भी इसी शरीर में। इसी तरह माता के गर्भाशय में भी जितने अंडे हैं वो अपने साथ लेके ही आती है, जन्म से ही उसके अंदर होते हैं, और वो जिसमें अब वो गर्भाधान हो गया वहाँ तो बच्चा बन गया, नहीं हुआ तो ऐसे ही रह जाएंगे और फिर माहवारी में समाप्त तो हो जाते हैं, और जब माहवारी बंद हो गई तब तो माँ बनने की प्रोसीजर ही खत्म हो गई। थोड़ा थोड़ा मेरे को, मैं समझती हूँ थोड़ा सा, जब मेडिकल शब्दावली चलती है तो कभी कभी थोड़ा दिमाग चकराते हैं कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन कहने का अभिप्राय यह है, ये शरीर का पिता असली कहाँ, बाहर नहीं है, ये शरीर में ही है। और जिस अंडे से तुम्हारी देह बनी, माँ के देह में जो ओवा था जिससे ये तुम्हारा शरीर बना, तो हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारी माँ भी इसी शरीर में है, तुम्हारा पिता भी तुम्हारे ही शरीर में, उनके उस अंश से ही तो पूरी देह बन गई। अच्छा, अब कई लोग सोचते हैं देह पहले बनती है और प्राण बाद में आते हैं। गलत, प्राण से भी पहले मन है, अन्नमयी कोष पहले के प्राणमयी कोष पहले। देखिए उल्टा चलिए, रिवर्सल चलिए, आप लोग शरीर की दृष्टि से ऐसे देख रहे हो, हम इसको कह रहे हैं अब उल्टा चलिए। जब जन्म हुआ तो जन्म के समय में पहले तुम थे जीव रूप से, फिर अन्नमयी कोष, फिर विज्ञानमयी कोष, फिर मनोमयी कोष, फिर प्राणमयी कोष। अब ये पूरा सेटअप जिस देह में गया वहां अन्नमयी कोष शरीर तैयार हो गया। बात समझ आ रही जो मैं कह रही हूं? मैं हूं। अब देखिए अभी सब कोषों की चर्चा बाकी है, इसलिए बहुत सी, थोड़ा मैं इसको ऐसे सरल कर देती हूं। शरीर, शरीर के अंदर सूक्ष्म है इंद्रियां, हाँ, इंद्रियों के अंदर और सूक्ष्म है मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, इसको मंताकरण भी बोलते हैं, हाँ? और फिर हूं मैं, तो मैं हूं तो बुद्धि है, मैं हूं तो मन है, मैं हूं तो इंद्रियां हैं, मैं हूं तो ये शरीर है जो मैं ही ना हूं, तो शरीर क्या, बुद्धि क्या, मन क्या, ऐसे समझो। अगर भारत के राष्ट्रपति हमारे पास यहां पधार जाएं, तो राष्ट्रपति ही आएगा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आएगा, मुख्यमंत्री ही आएगा कि यहाँ का गवर्नर भी आएगा, गवर्नर और मुख्यमंत्री ही आएंगे कि पूरे मंत्री भी आएंगे, मंत्री ही आएंगे कि साथ में पुलिस भी आएगी। बात समझ रहे हो? तो इस कहानी में राष्ट्रपति हो तुम, बुद्धि है गवर्नर, मन है मुख्यमंत्री, इंद्रियां है सब बाकी के पोर्टफोलियो वाले मंत्री, और शरीर हुआ द बॉडी, द बॉडी द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जैसे राष्ट्रपति ना आवे तो ये सब भी यहां नहीं आएंगे। तो मैं हूं तो बुद्धि है, कि बुद्धि है इसलिए मैं हूं, सोचो।
मैं हूं तो शरीर है और मैं ही ना हूं तो किसका शरीर? यह बात बहुत अच्छे से समझिए. द होल जर्नी बिगिन्स फ्रॉम मी. द ट्रू सेल्फ और से आत्मा. मैं हूं तो बुद्धि भी है, मन भी है, इंद्रियां भी है, शरीर भी है. शरीर है तो बाहर संसार भी है, है ना? सारा संसार तभी है ना जो शरीर है. शरीर मर जाए तो बोलो मुर्दे के लिए संसार क्या है? बोलो, कुछ भी नहीं. मैं हूं इस देह में और इस देह में प्राण हूं तो फिर तो यह शरीर भी मेरे काम का. जब यह शरीर में प्राण नहीं रहते हैं, अब चक्कर क्या है? प्राण कैसे चलते हैं? तुम खाली सुन के ठीक है, अभी कहते हैं तो ऐसा ही होता होगा, हमको क्या चिंता इस बात की. आपको तो कोई फिक्र है नहीं, क्योंकि प्राण रहे रहे ना रहे तुम्हें लगता है उससे क्या फर्क पड़ेगा. याद रखना, प्राण निकले तो छटपटा हो गए फिर कि अब कुछ किया नहीं मैंने. क्योंकि बेटी ना बेटा, बहु न दामाद, घर न बार, कुछ न चलेगा साथ. न मां न बाप, न मकान न बिजनेस, नथिंग नथिंग विल गो विद यू. मैंने ना बड़े बड़े मूंछों पर हाथ फेर के अकड़ के चलने वाले लोगों को टूट के रोते हुए देखा जब मौत सामने आके खड़ी हो गई. मौत तो बड़ी दूर की बात है, जरा पेट दुख जाए, जरा सा पेट ही दुख जाए, उत्तम ही रोने लग जाते. एक दिन आश्रम में मुझे खबर दी गई कि एक नाम नहीं लेते है ना, ठीक रहता है, सड़ते बाद में लोग. तो खबर आई कि उसको बहुत तकलीफ हो गई. मैं क्या हो गया? कह रहे, वो कह रहे हार्ट में कुछ हो गया लगता है. भाई 28-30 साल का नौजवान हो और कहे हार्ट को कुछ हो गया, भी कॉन्जेनिटल है, कुछ हो गया इसको. गैस हुई थी बस थोड़ी सी. मैं एक लगाओ थप्पड़ उसके सर में और एक बड़ा चम्मच हरड़ का दे दो उसको, 3 घंटे में पेट साफ हो जाएगा, गैस निकल जाएगी, है कुछ भी नहीं. पर कितना भय है, कितना डर है. इसी वास्ते कबीर साहब जैसे संतों ने कहा कि प्रभु जीवन के अंदर सब जीवों को दुख देते रहना.